दोस्तों आज बात करेंगे कैमरा के मीटरिंग मोड्स के बारे में। ये मीटरिंग मोड्स किस तरह से काम करते हैं जब आप फोटोज़ शूट करते हैं, उसे आज समझेंगे। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों एक बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जब भी हम कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो वहाँ पर दोस्तों जिस भी लाइटिंग कंडीशन में हम काम कर रहे हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे इस मिकी माउस का पिक्चर लेना है तो यहाँ पर जो भी लाइट अवेलेबल है, यानी कि जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, उसे हम कहते हैं इंसीडेंट लाइट, यानी कि लाइट जो फॉल हो रही है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं यहाँ से पिक्चर ले रहा हूँ इस मिकी माउस की इस तरह से, तो यहाँ पर दोस्तों इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो इंसीडेंट लाइट है वो यहाँ हिट करती है और लाइट रिफ्लेक्ट होके जो है वो आती है मेरे लेंस पे, यानी कि इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों काम आता है हमारा मीटरिंग मोड। अगर आपका सही मीटरिंग मोड नहीं है कैमरा के अंदर, तो ये पिक्चर जो है ओवर एक्सपोज भी हो सकती है और अंडर एक्सपोज भी हो सकती है। तो मीटरिंग मोड को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक पिक्चर आपको लेके दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने एक पिक्चर ली है ये, और यहाँ पर मैंने गलत मीटरिंग मोड यूज़ किया, तो आप देख रहे हैं कि फ़ोटो जो है कितना ओवर एक्सपोज है। या अगर मैं थोड़ा सा अपना सेटिंग चेंज करूं, इस तरह से डायरेक्शन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, देखिए ऐसे, यानी कि इंसिडेंट लाइट जो है वहाँ आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर मेरे लेंस में, तो यहाँ पर भी जो है अब मेरा कैमरा कन्फ्यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो पिक्चर आई है वो काफ़ी आप देख पा रहे हैं अंडर एक्सपोज होके आई है। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मीटरिंग मोड जो है वो ठीक नहीं था। अब अमूमन जो है कैमरा के अंदर तीन तरह के मीटरिंग मोड होते हैं, जो आप जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक होता है हमारा इवैल्यूएटिव, या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स मीटरिंग मोड। दूसरा जो है वो होता है हमारा सेंट्रोवेटेड मीटरिंग मोड, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा स्पॉट मीटरिंग मोड। तो इन तीनों मीटरिंग मोड को हमको समझना है कि कौन सा मीटरिंग मोड हमें कब यूज़ करना है और तीनों मीटरिंग मोड एक्चुअली करते क्या हैं। अब दोस्तों तीनों मीटरिंग मोड के बारे में मैं बात करूं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली मीटरिंग मोड करता क्या है। अब मीटरिंग मोड, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये जो है मीटर करने के काम आता है, तो ये जो लाइट यानी कि जो एक्सपोजर है उसको ये मीटर करता है। अब लाइट को मीटर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर तीन तरह के मीटरिंग मोड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इवैल्यूएटिव या मैट्रिक्स मीटरिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसी की। अब इवैल्यूएटिव बोलते हैं मीटरिंग, हम बोलते हैं कैनन के अंदर, निकॉन में बोलते हैं हम उसको मैट्रिक्स, या सोनी में इसे कुछ और बोलते हैं। लेकिन ये आप तीनों सिंबल देख पा रहे हैं, बस आपको इन तीनों सिंबल को ध्यान रखना है और इन ये किस तरह से काम करते हैं। बस अगर आप तीन चीज़ समझ गए तो आपका काम हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैट्रिक्स मीटरिंग की। अब मैट्रिक्स मीटरिंग में आप देख पा रहे हैं, इस तरह से देखिए आप, छोटे छोटे से जोन बने हुए हैं। तो जब आप इस मीटरिंग मोड को यूज़ करते हैं तो ये पूरे सीन में किस जोन में कितनी लाइट है, कितना एक्सपोजर है, उसको ये मीटर करके आपको एक आपका जो आप शूट करते हैं तो आपको एक रीडिंग दे देता है। उस हिसाब से आप अपने कैमरा से पिक्चर लेते हैं और आपको पिक्चर्स मिलती है बहुत ही अच्छी। तो इन शॉर्ट अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो 95-96% केसेस के अंदर ये जो मैट्रिक्स मीटरिंग है इससे काम हो जाता है। और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो आइडियल लाइटिंग कंडीशंस है, जैसे कि आप सुबह 9 बजे से लेके या 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक शूट कर रहे हो, तो ज़्यादातर उस लाइटिंग सिचुएशन में मैट्रिक्स मीटरिंग बहुत अच्छे से काम कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैट्रिक्स मीटरिंग, जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग जोन्स होते हैं। देखिए, आप खिड़की सी बनी हुई है, इसमें अलग अलग, तो मान लीजिए पीछे कितनी लाइट है, आगे कितनी लाइट है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर कितनी लाइट है, तो वो सारे एक्सपोजर को जो है ये अच्छे से मीटर कर लेता है। और जब आप इस मीटरिंग मोड को सेट करते हैं कैमरा में, फ़ोटोज़ लेते हैं, तो आपको एक अच्छे एक्सपोजर के साथ में पिक्चर मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको भी पिक्चर लेके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने अपने कैमरा के अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स मीटरिंग जो है वो मोड को चुन लिया है। लेते हैं एक कार का फोटो, सामने आप देख पा रहे कार खड़ी है। अब इस कार के पीछे कितनी लाइट है, सामने कितनी लाइट है और कार पे कितनी लाइट है, वो ये मैट्रिक्स मीटरिंग अच्छे से जो है एक्सपोजर को मीटर कर लेता है। और अब मैं लेता हूँ कार का फ़ोटो, देखिए इस तरह से, तो आप देख पा रहे हैं कि हमें बिल्कुल बहुत बेहतरीन एक्सपोजर के साथ में एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिली है। और यहाँ पर मैट्रिक्स मीटरिंग मोड बहुत अच्छे से काम आया है। एक पिक्चर मैं आपको और लेता हूँ, देखिए इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप देख पा रहे हैं पोल इस तरह का नीचे का, तो मैं थोड़ा सा बैठ के लेता हूँ पिक्चर, देखिए जहाँ पर पोल लगा हुआ है ये देखिए। और अब देखिए नीचे ग्राउंड भी है, इसके पोल के पीछे बैकग्राउंड भी है, और मैंने फोकस में रखा है अभी पोल पर, तो जिस एरिया को मैं फोकस कर रहा हूँ, अब सबसे पहले मैट्रिक्स क्या करेगा, मैट्रिक्स मीटरिंग उस जहाँ पे मैंने फोकस किया उस एक्सपोजर को मीटर कर रहा है, और पीछे का भी मीटर करेगा क्योंकि वो एरिया भी कवर हो रहा है और नीचे ग्राउंड भी कवर हो रहा है। तो चलिए लेते हैं एक पिक्चर और लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे एक्सपोजर के साथ में हमको दोस्तों पिक्चर मिल रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
तो ये जो है दोस्तों मैट्रिक्स मीटरिंग का जो है एक एडवांटेज होता है। सो ऑलमोस्ट 95-96% केसेस में मैट्रिक्स मीटरिंग बहुत अच्छे से काम करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेंटर वेटेड मीटरिंग की। जैसा कि नाम से जाहिर है सेंटर, अब कई बार ऐसा होता है कि जब लाइटिंग कंडीशन बहुत आइडियल नहीं है और लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है या ट्रिकी है, जहाँ पर ये होता है कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट है वो ठीक से आएगा कि नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी का हेडशॉट या पोर्ट्रेट ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से लाइट को मीटर करना है, यानी कि मुझे चाहिए कि मेरा एक्सपोजर जो है वो करेक्ट हो मेरे सब्जेक्ट के ऊपर, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेंटर वेटेड मीटरिंग को। और मुझे मतलब नहीं है अगर कि भाई आजू बाजू की लाइटिंग कितनी है या बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा या कम है, बट मेरा मेजर कंसर्न है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सेंटर में है और उसके ऊपर लाइट अच्छी से रहे, तो वहाँ पे मैं जो है सेंटर वेटेड मीटरिंग को यूज़ करूँगा। चलिए देखते हैं एक नमूना। अब दोस्तों मैंने अपना जो मीटरिंग मोड है वो चेंज करके कर लिया है सेंटर वेटेड मीटरिंग पे। अब सेंटर वेटेड मीटरिंग कब हमें ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मुझे अपने इस मॉडल का हेडशॉट या पोर्ट्रेट लेना है और मुझे मतलब नहीं कि बैकग्राउंड में पीछे लाइट कम है या ज़्यादा है या आजू बाजू में लाइटिंग कम है या ज़्यादा है, बट आई वॉन्ट कि मेरा जो सेंटर वाला सब्जेक्ट है वहाँ पे मुझे एक्सपोजर एकदम करेक्ट मिले, यानी कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर एक्सपोजर के साथ में लिट हो और एक बेहतरीन पिक्चर मुझे मिले या उसका पोर्ट्रेट या हेडशॉट, तो मैं अब सेंटर वेटेड पे शूट कर रहा हूँ। एक पिक्चर लेते हैं। आर यू रेडी? येस, वेरी नाइस। तो मैंने देखिए इस तरह से जो है सेंटर वेटेड मीटरिंग, अब जो मैंने फोकस किया आइस पे, तो अब इसके आसपास जो भी एरिया है यानी कि जो सेंटर वेटेड एरिया है उस एरिया पे ही ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इसका मीटर, और वहाँ से हमें एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। येस, वेरी नाइस, वन मोर। तो आप देख पा रहे पिक्चर हमें कितनी अच्छी मिली है और हमारा सब्जेक्ट क्योंकि सेंटर में था तो कितने अच्छे से लिट हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मीटरिंग मोड आपको कब यूज़ करना है। अब यहाँ पर कोई एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपको सेंटर वेटेड ही लेना है, इसमें भी आप मैट्रिक्स मीटरिंग यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है कि आप अलग अलग मीटरिंग मोड्स को ट्राई करिए जब भी आप फोटो शूट करते हैं, और बाद में आप अपने कैमरे के पीछे जो हिस्टोग्राम होता है आप उसको देखिए। अगर आपका हिस्टोग्राम कह रहा है कि भैया आपका एक्सपोजर ठीक आ रहा है तो इट मीन्स वही मीटरिंग मोड आपके लिए परफेक्ट है। बट ज़्यादातर 95-96% केस में मैट्रिक्स मीटरिंग मोड बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ खास सिचुएशन है यानी कि लाइट जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ट्रिकी है, तो वहाँ पर आप सेंटर वेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे मीटरिंग मोड की, वो है हमारा स्पॉट मीटरिंग मोड। अब स्पॉट मीटरिंग मोड भी जो है वो भी तब यूज़ किया जाता है जब लाइट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया कैसे हम लाइट जो मीटर है वो बाकी के मीटरिंग मोड थोड़े से फेल हो जाते हैं, यानी कि आपने मैट्रिक्स भी यूज़ किया लेकिन एक्सपोजर ठीक नहीं मिला, आपने फिर सेंटर वेटेड यूज़ किया वहाँ भी आपको एक्सपोजर ठीक नहीं मिला। कई बार जैसे हम फूल पत्ती की पिक्चर्स लेते हैं, चलिए मैं आपको लेके दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे पत्ती है, तो मुझे इस पर्टिकुलर पत्ती का ही फ़ोटो चाहिए और मुझे मतलब नहीं है कि आगे पीछे कितनी लाइट ज़्यादा है या कम है, यानी कि यहीं पर मुझे स्पॉट मीटरिंग करना है, यानी कि अपने इस पर्टिकुलर स्पॉट पे मुझे एक्सपोजर को मीटर कराना है। तो जब मैं अपने कैमरा से इसके ऊपर फोकस करूँगा यहाँ पर, तो जितना एरिया जो फोकस कर रहा हूँ बस वहाँ पर ही जो है एक्सपोजर को मीटर करेगा ये मीटरिंग मोड। तो बहुत ही आसान चीज़ है। अब लेता हूँ मैं इस पत्ती का पिक्चर, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ले लिया है पत्ती का, ये देखिए इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं कि आगे पीछे जो है थोड़ा सा डार्क आया है, पीछे की साइड में थोड़ा डार्क आया है, लेकिन जो पत्ती है वो बहुत अच्छे से लिट हुई है, यानी कि मैंने सिर्फ जो अपना मीटरिंग थी वो मैंने बहुत ही स्पॉट रखा एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर, वहीं पे जो है मेरे फोकस को जहाँ मैंने फोकस किया था वहीं पर इस मीटर ने उस जगह के एक्सपोजर को मीटर करके मुझे बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कब तो स्पॉट मीटरिंग यूज़ करनी है, कब आपको सेंटर वेटेड, और कब आपको जो है यूज़ करना है आपका मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अलग अलग मीटरिंग मोड के ऊपर फोटोज़ लीजिए और देखिए आपके लिए कौन सा मीटरिंग मोड परफेक्टली काम करता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि अलग अलग मीटरिंग मोड्स जो है किस तरह से काम करते हैं और बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है और कौन सा मीटरिंग मोड आपको रखना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे कर दो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।